विदेशी बाजारों में दर्ज की गई गिरावट की वजह से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में शनिवार को घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों में कमजोरी देखी गई, जबकि तिलहन के भाव में नरमी दर्ज की गई। तेल तिलहन कारोबार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को शिकागो एक्सचेंज में दर्ज की गई करीब 5% की गिरावट से घरेलू स्तर पर भी खाद्य तेलों के दामों में स्थिरता या गिरावट का रुख देखा गया। सूत्रों ने बताया कि विदेशी तेलों के मुकाबले देसी तेलों के सस्ता होने के कारण सरसों, बिनौला और मूंगफली तेल की घरेलू बाजार में मांग बनी हुई है। हालांकि शनिवार को सरसों दाना की आवक 6.5 लाख बोरी से घटकर शनिवार को 5.25 लाख बोरी ही रही। सूत्रों के अनुसार सरकार के सोयाबीन DOC के आयात को खोलने की खबरों के बीच सोयाबीन दाना की कीमतों में गिरावट आई। यह 300 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट लेकर 7,100 से 7,200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर आ गया। कारोबारी सूत्रों ने सरकार से रिफाइंड उत्पादन में सरसों तेल के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए इसका पर्याप्त स्टॉक बनाकर रखने का अनुरोध करते हुए कहा कि देश को तेल तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तेल तिलहन का उत्पादन बढ़ाना होगा। रिपोर्ट मार्केटाइम्स TV। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।